राजीव चतुर्वेदी। इस फाइनेंस बिल पर बात करने का आपने मौका दिया, बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, यहाँ पर वित्त मंत्री उपस्थित है और चूंकि वित्त मंत्री अभी रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, इसलिए मैं रक्षा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और वो बात मैं यहाँ पर अध्यक्ष जी रखना चाहूँगा। पिछले 3 साल में जब से ये सरकार आई है, 2014-15 में GDP के एज अ परसेंटेज डिफेंस पर आपने 2.6% खर्च किया, 15-16 में 1.96% खर्चा रहा, 16-17 में 1.65% ये खर्चा रहा है और पिछले 30-40 साल में सबसे कम खर्चा GDP के प्रतिशत में हम देखेंगे तो इस साल हम रक्षा पर कर रहे हैं। हम GDP के सिर्फ 1.56% खर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान हमसे कई ज़्यादा GDP के खर्चा कर रहा है डिफेंस पर, और इसका मतलब यह है कि हमारी क्षमता होने के बावजूद भी हम खर्च नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्षमता नहीं होने के बावजूद भी वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी का हम रिपोर्ट देखेंगे अध्यक्ष जी, तो आर्मी ने 42,000 करोड़ का कैपिटल प्रोजेक्शन किया था, उनको आपने 25,000 करोड़ सिर्फ दिया। नेवी ने 27,000 करोड़ का कैपिटल प्रोजेक्शन किया था, उनको आपने 18,000 करोड़ दिया, अलॉकेट किया। एयरफोर्स ने 62,000 करोड़ का कैपिटल प्रोजेक्शन किया था, उनको आपने 33,000 करोड़ सिर्फ दिया है। इसका मतलब यह है कि 55,000 करोड़ का कैपिटल एलोकेशन में आपने कमी की है और इससे सबसे ज़्यादा अगर हम पर कोई हो रहा है तो हमारे डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पर अध्यक्ष जी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए अगर अपने पास पैसा नहीं है तो मेरी सरकार से विनती रहेगी कि आपने सेस लगाया है, आप डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए सेस लेकर आइए, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन डिफेंस प्रिपेयरनेस में हम कहीं कम ना रहे, ये इस बारे में हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर मैं रखना चाह रहा हूँ, मेहताब साहब ने एग्रीकल्चर टैक्स की बात की थी और पिछले बार जब वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया था फाइनेंस बिल पर, तब आपने कहा था कि हम एग्रीकल्चर पर, कृषि पर कोई टैक्स लगाना नहीं चाहते और आपने मेहताब जी को भी ये बताया था कि आप भी मत लगाइए, लेकिन जो सामने बात आई है मंत्री जी, आपने कृषि पर टैक्स का प्रावधान किया है और वो बात ठीक नहीं है, उससे देश के हजारों करोड़ों किसान को इससे तकलीफ होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर जो मैं सामने रखना चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था कि किसान की कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, उस बात का हम खंडन करते हैं और जिस प्रकार से SBI की चेयरमैन अगर इस बारे में ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो ये किसान के खिलाफ की बात है। और एक तरफ आप UPA में कह रहे हो कि किसान की कर्ज माफी होनी चाहिए और उसके बाद SBI की चेयरमैन इस प्रकार की बात करती है, और UP में कर्ज माफी हो तो देश के बाकी राज्यों में कर्ज माफी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी सवाल यहाँ पर उठता है। एक तरफ बैंक कर्ज नहीं दे रहे, बैंक को जिस प्रकार से कर्जा मिलना चाहिए वो कर्ज नहीं मिल रहा है। आप MSP बढ़ाने की बात अभी भी भाजपा के कोई सांसदों ने की, MSP भी नहीं आप बढ़ा रहे हो। अभी हमारे कुछ सांसद यहाँ पर नाना पटोले और ये बैठे हैं, ये जब MLA थे तब ये बात करते थे, जब आत्महत्या होती थी तो 302 का मुकदमा दर्ज करने की बात होती थी, तो 15,302 के मुकदमे इस सरकार के खिलाफ दर्ज करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और आखिरी बात अध्यक्ष जी यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा युवाओं के बारे में, जिस प्रकार से आपने कहा था जब सरकार आने की बात थी तब आपने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक तो 6 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस प्रकार से गिरा है, टोटल ये 5% पर गया है, SC का 5% से बड़ा है, ST का 4.4% पर गया है, OBC का 5.2% पर गया है, और ये सरकार का जवाब है कि पिछले 3 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, आप रोजगार दे नहीं पाए हो। और इसीलिए ये सब बातें जब हम कर रहे हैं, यहाँ पर जिस प्रकार के इनकम टैक्स के एक्ट अंडर सेक्शन 132 में सरकार ने जो यहाँ पर बदलाव लाया है कि किसी को भी आप रेड करने की परमिशन दे रहे हो जिसमें कोई जस्टिफेबल कारण भी नहीं होगा, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टैक्स टेररिज्म की तरफ ये सरकार बढ़ने की दिशा में जा रही है। और इसलिए मेरा आपसे यहाँ पर आग्रह है कि एक तो किसान की तरफ, युवाओं की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा और डिफेंस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, यही बात यहाँ पर अध्यक्ष जी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पर सरकार के लिए कहना चाहूँगा कि हम तो मन की बात बहुत मन लगा कर सुनते हैं, हम मन की बात तो बहुत मन लगा कर सुनते हैं और पिछले 3 सालों से काम की बात का इंतज़ार भी करते हैं, हम मन की बात बहुत मन लगा कर सुनते हैं और पिछले 3 सालों से काम की बात का इंतज़ार भी करते हैं,
और शायद इस सरकार को कोई काम ही याद नहीं आता, शायद वो जुमले बड़े शानदार बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।